क्षमा के बिना प्रेम नहीं है और प्रेम के बिना क्षमा नहीं है। हमें जितनी जल्दी हो दूसरों को उनकी गलतियों के लिए क्षमा कर देना चाहिए। इससे मन में शांति मिलती है। सच्चे मन से क्षमा मांगने वाले दुर्लभ हैं। सच्चे मन से क्षमा मांगने वाले और भी कम होते हैं। हमारे प्रभु ईसा हमें सदैव क्षमा करते हैं। उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में प्रभु ईसा हमें बताते हैं कि हम अनेक गलतियां करते हैं, पर हमारे पिता ईश्वर हमें क्षमा कर हमें गले लगाते हैं। हम अपनी गलतियों पर पश्चाताप करें, किसी का मन दुखाएं तो उससे क्षमा मांगें, और किसी के कारण हमें कष्ट पहुंचा हो तो उसे क्षमा करें। प्रभु ईसा से उपवास काल में क्षमा के लिए प्रार्थना करें। पवित्र ग्रंथ के अनुसार पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, पर निंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच से दूर करें। एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने, जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें।